हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर के एकेडमी। दोस्तों, अगर आपको अपने जीके की नॉलेज को जानना है और बढ़ाना है तो वीडियो अंत तक देखिएगा और लास्ट में मुझे थैंक्स बोल के जाइएगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, 200, 206, 300 या 350। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 300। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, ए 8, बी 30, सी 10 या डी 12। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, ए जांग, बी जबड़े में, सी भुजा या डी गर्दन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जबड़े में। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ए नाखून, बी जबड़े की, सी स्टेपीज या डी नाक की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ऑप्शन ए स्टेपीज, बी फिबुला, सी टीबिया या डी फीमर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फीमर। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके लिए बोनस क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है बी, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो सबसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा आपको कितने क्वेश्चन आते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के कौन से पार्ट में प्राण नहीं होते। दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन है। आप सोच के बताइएगा कि कौन सी ऐसी हमारा बॉडी पार्ट है जिसमें जान नहीं होती, तो वो है नाखून। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, ऑप्शन ए टीबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर या डी फिबुला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए जांग, बी पिंडली, सी ऊपरी भुजा या डी अग्रभुजा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊपरी भुजा। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन ए खोखली होती है, बी संधरी होती है, सी ठोस होती है या डी कीलक होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संधरी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, ऑप्शन ए खोपड़ी, बी टांग, सी भुजा या डी मुंह। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टांग। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी रिबकेज या ऑप्शन डी भुजा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जांग। क्वेश्चन नंबर 13, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी कैल्शियम व फॉस्फोरस या ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस व सल्फर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम व फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 14, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, ऑप्शन ए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से या डी कोबाल्ट की कमी से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, या हमारा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, अंदाज़ा लगाइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फास्फेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही थे। दोस्तों अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करके अपनी नॉलेज को कंपेयर कीजिएगा कि उनसे पूछ के बताइएगा कि आपके उनसे कितने ज़्यादा क्वेश्चन सही थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ऐसी ही और मज़ेदार जीके के सवाल के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।